देखो गुड लक, फाइनली जब से KGF टाइप की मूवीज रिलीज हुई है तो उनसे इंस्पिरेशन लेकर लोग आजकल सीरीज और मूवीज बना रहे हैं। तो जी हाँ गुड लक, आज मैंने देखी है बम्बई मेरी जान सीरीज। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि ये सीरीज किस तरीके की है, क्या इस सीरीज को आपको देखना चाहिए, इसके लिए आपको वीडियो पर एंड तक रुकना होगा। तो देखो गुड लक, ये सीरीज पूरे 10 एपिसोड की बनी है, सभी एपिसोड लगभग 50 मिनट के हैं, क्योंकि इस सीरीज में दिखाया जाता है कि 90s के समय में बंबई जैसे शहर पर माफियाओं का राज चलता था। लेकिन गुड लक, जैसे जैसे समय बीतता जाता है उन माफियाओं की जड़ें कमजोर होने लगती है। उसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एक टीम को हायर करती है कि बंबई में जाओ और माफियाओं को सफा करते चले जाओ। तो क्या वो टीम माफियाओं को सफा कर पाएगी, इसके लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। जैसा कि गुड लक, मैंने शुरुआत में आपके लिए बताया था कि इस सीरीज का पूरा प्लॉट 90s के समय पे बेस्ड रहेगा। उसी के साथ इस सीरीज को देखते टाइम मुझे कुछ हद तक चीजें कीजिए जैसी फ्रेंचाइजी पर सिमिलर लग रही थी, क्योंकि इसमें आपको गोल्ड की तस्करी दिखाई गई है जैसा कि KGF में दिखाया गया था, कुछ हद तक सिमिलर है। लेकिन गुड लक, इस सीरीज को जैसे जैसे आप वॉच करते चले जाओगे वैसे वैसे इस सीरीज में आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। सीरीज का पहला एपिसोड हमको बता देता है कि इसकी स्टोरी किस तरीके की होगी, क्योंकि गुड लक, जब इस सीरीज का पहला एपिसोड शुरू होता है तो मैं नहीं, मुझसे छोटे छोटे बच्चे इस सीरीज की स्टोरी को आराम से प्रिडिक्ट कर लेंगे। वो अंदर से क्यूरियोसिटी वाला कीड़ा होता है ना, वो खत्म हो जाता है। आजकल का ऐसा ट्रेंड हो गया है कि सभी सीरीज में आपको गालियां देखने को मिलेंगी, और ऐसा भी इस सीरीज में भी है। कुछ यार ऐसे वाले सीन भी हैं, कुछ आप समझ सकते हो। तो डेफिनेटली गुड लक, आप इस सीरीज को फैमिली के साथ नहीं देखो तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। इस सीरीज के लास्ट में हमको एक क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है, तो मेरे हिसाब से उस क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इस सीरीज का दूसरा सीजन भी आएगा। बाकी गुड लक, यह सीरीज मुझे एवरेज लगी। उसी के साथ मैं इस सीरीज को देता हूँ 5 में से 3 स्टार की रेटिंग। आपने क्या सीरीज को देख लिया है हमको कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई रिव्यू वाली वीडियो के साथ, तो गुड बाय दोस्तों।